Hi guys, good morning and welcome to my YouTube channel. Today is the transformation day क्योंकि बालों को लेके मैं हमेशा परेशान रहती हूँ and मैंने सोचा कि क्यों ना अभी टाइम आ चुका है हेयर स्मूदनिंग कराने का फिर से। तो मैं अभी निकल रही हूँ स्मूदनिंग कराने के लिए। मैं हमेशा जहाँ से कराती हूँ वहाँ से ही जा रही हूँ कराने, तो मैं आप लोग को लेके चलती हूँ। थोड़ा बहुत चीज़ें स्निपेट्स दिखा दूंगी कि कैसे स्मूदनिंग होती है एंड घर आने के बाद मैं आपको फुल डिटेल्स दूंगी। तो अभी फटाफट चलते हैं एंड कराते हैं अपना हेयर मेकओवर। तो ये है वो सैलॉन जहाँ से मैं हर बार अपनी स्मूदनिंग कराती हूँ एंड ये काफ़ी ट्रस्टेड है। मैं इसका नंबर एंड एड्रेस दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये अब हम वेट कर रहे हैं हमारे स्मूदनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने का। स्टार्ट किया है फ्रॉम दी हेयर वॉश। हेयर वॉश करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप घर से कितना भी वॉश करके आओ, लेकिन स्मूदनिंग को आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको वहाँ जाके हेयर वॉश करना ज़रूरी ही है। एंड इसके बाद अभी लगाया जा रहा है स्मूदनिंग क्रीम। सो ये स्मूदनिंग क्रीम को हर एक स्ट्रैंड के ऊपर अच्छे से लगाया जाता है। एंड आपकी जितने भी क्वेरीज है स्मूदनिंग रिलेटेड, मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था, तो वो सब मैंने इस वीडियो में आंसर किए हैं, लेटर हाफ ऑफ द वीडियो में। तो आप वीडियो पूरा देखिए एंड स्किप नहीं करें। स्मूदनिंग क्रीम लगा के हमें 35 to 40 मिनट्स उसको रखना है एंड देन फिर करना है अपना हेयर वॉश। तो यहाँ पे हेयर वॉश हो रहा है आफ्टर स्मूदनिंग क्रीम एंड इसके बाद हो रहा है ड्रायर। तो आप लोग हमेशा मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप कभी भी स्मूदनिंग कराओ तो आप सैलॉन से ही कराओ, ना कि YouTube वीडियोस देखे हाउ टू डू स्मूदनिंग एट होम, वो सब वेस्ट है। तो देख सकते हो आपकी स्मूदनिंग क्रीम लगाने के बाद ही सीधा 70% ऑलमोस्ट बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। एंड अब यहाँ पे हो रही है हेयर स्ट्रेटनिंग। सो हर एक स्ट्रैंड को अच्छे से स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो न्यूट्रलाइज़र लगेगा बालों में वो ही मेन काम करता है स्ट्रेटनिंग का। तो हर एक स्ट्रैंड को आप देख सकते कितनी अच्छी तरीके से एंड प्रोफेशनली स्ट्रेट किया जाता है। सो आपको बहुत पेशेंस रख के आना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 आवर्स तो लग ही जाते हैं स्मूदनिंग को। और ये अब लगाने वाले हैं हम न्यूट्रीलाइज़र। तो न्यूट्रीलाइज़र ले लिया है एंड मैंने कराई है मैट्रिक्स की स्मूदनिंग। सो सब प्रोडक्ट्स मैट्रिक्स के ही है। अब इस टेक्निक को कुछ बोलते हैं प्रोफेशनली, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन हर एक स्ट्रैंड को अच्छे से ये न्यूट्रीलाइज़र लगाना ज़रूरी है। एंड उसके बाद होता है नॉर्मल वॉश। शैम्पू वॉश नहीं होगा, क्योंकि ये ही क्रीम है जो हमको 3 दिन तक अपने बालों में रखनी है। सो ये क्रीम को सिर्फ रिमूव किया जाता है नॉर्मल वॉश करके एंड देन फिर ड्रायर किया जाता है। और ये था हमारा फाइनल स्टेप। इसके बाद अब आप देखेंगे मेरा बिफोर एंड आफ्टर लुक। I'm finally back home and this is how my hair is looking after smoothing. तो आज है अभी तो मैं जस्ट करा के आई हूँ एंड अभी मुझे ये स्मूदनिंग को रखना है 3 दिन। ऐसे ही बाल खुले रखने हैं, मुझे कान के पीछे नहीं डालना है कुछ भी, पिन बिन बन वन पोनी कुछ नहीं बनाना है। ऐसे ही ओपन हेयर रखना है 3 डेज तक एंड 3rd डे होगा मेरा फाइनल वॉश। यस, ये था और मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे स्मूदनिंग होती है एंड जितना मैं ले पाई मैं लिया। सो दिस इज़ हाउ माई हेयर इज़ लुकिंग। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लग रहा है। आप लोग में से काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैंने स्मूदनिंग क्यों कराई। तो मैं इसके लिए कराई क्योंकि मेरे पास 3 रीज़न्स है। एक रीज़न है कि मेरे को खुद को स्ट्रेट हेयर में देखना अच्छा लगता है। आप लोग को लग रहा होगा बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, बट ऐसा नहीं है। सेल्फ लव होना चाहिए। मुझे खुद को अपने आप को स्ट्रेट हेयर में देखना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने स्ट्रेटनिंग कराई है या स्मूदनिंग कराई है। सेकंड रीज़न ये है कि हेयर काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। मतलब स्मूदनिंग करा लिया ना, तो जैसे ही हेयर वॉश किया तो उसको स्टाइल वाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधा आओ और सूख जाते हैं, अपने आप स्ट्रेट हो जाते हैं, तो उसको कोई स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल लगता है मुझे वो पार्ट, तो इसीलिए मेरा सेकेंड रीज़न ये है स्मूदनिंग कराने का। एंड थर्ड रीज़न मेन आजकल ये है कि वीडियोस बनाने के पहले ना मेरे को वीडियो बनाना ही एक ये लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ माय हेयर। मेरे को ऐसा लगता है यार अभी वीडियो बनाना है तो मुझे हेयर करना है, हेयर को स्टाइल करना है, फिर मेकअप करना है, फिर बैठना है वीडियो के आगे, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि यार वीडियो करूँ कि अभी हेयर को भी ध्यान दूँ, ये वो, तो बहुत हेक्टिक हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो करा ही लेती हूँ, थोड़ा हेयर मैनेजेबल हो जाएगा। तो एक हेयर वाला पार्ट तो स्किप हो जाएगा, बाकी मेकअप तो फटाफट हो जाता है 5-10 मिनट में, तो वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए एक ये थर्ड मेरा मेन रीज़न है स्मूथिंग कराने का। सो या सेकेंड क्वेश्चन ये आया था कि क्या ऑयलिंग कर सकते हैं आफ्टर स्मूथनिंग इमीडिएटली। तो इमीडिएटली तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली 1 मंथ का गैप देती हूँ ऑयलिंग स्टार्ट करने के पहले। सो अगर मैंने अभी स्मूथनिंग किया है तो मैं सीधा नेक्स्ट मंथ अभी ऑयलिंग स्टार्ट करूँगी, उसके बीच में मैं ऑयलिंग नहीं करूँगी अपने हेयर्स। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि डज इट कॉज हेयर फॉल एंड हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट। तो ये भी एक क्वेश्चन आया है। सो हेयर फॉल, ये मैंने पर्सनली ये क्वेश्चन सैलॉन में जो मेरा हेयर स्मूथिंग कर रही थी उनके साथ भी पूछा, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि हेयर फॉल तभी होता है अगर आपके पहले से बाल हेयर फॉल हो रहा होगा और आपने तभी वो टाइम पे स्मूथिंग कराया, तो बट ऑब्वियसली आपका हेयर फॉल ज़्यादा होगा। बट ऐसा नहीं है कि स्मूथिंग कराने से हेयर फॉल होता है। अगर आपके हेयर या आपके हेयर में डैंड्रफ या कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको हेयर फॉल हो रही है, तो आप अवॉइड करो स्मूथिंग कराना। बट अगर नहीं हो रही है तो आप करा सकते हो, सिर्फ स्मूथिंग की वजह से हेयर फॉल होता है ऐसा नहीं है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ योर हेयर ग्रोथ इज। तो आपका हेयर ग्रोथ अगर फास्ट है तो आपको 5-6 मंथ्स में ही न्यू हेयर आना चालू हो जाएगा। बट मेरे केस में मेरा हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है, तो मेरी स्मूथनिंग आराम से 1 ईयर 3 मंथ्स ऐसे तक टिक जाती है। तो हेयर कितना लास्ट करता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हेयर ग्रोथ। सो या आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि व्हेन डू यू वॉश योर हेयर आफ्टर स्मूथनिंग। सो लाइक आई सेड कि मैंने आज स्मूथनिंग कराई है, तो मुझे आज वॉश नहीं करना है ना कल करना है, मुझे 3 दिन ये बालों को ऐसे ही रखना है इंटैक्ट। इसको मैं कान के पीछे भी नहीं ले सकती हूँ, ना मैं इसकी पोनी बांध सकती हूँ, ना मैं इसका बन बांध सकती हूँ, मुझे ये हेयर ऐसे ही रखना है। एंड इसके बाद मुझे 3 डेज जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आज है 3rd of October, तो 4th, 5th and 6th of October के शाम को, अभी शाम को मैं करा के आई हूँ, तो मुझे शाम को वॉश करना है या तो फिर 7th मॉर्निंग को वॉश करना है। सो 3-3.5 डेज आपको स्मूथनिंग को ऐसे ही रखना है, उसमें पानी भी नहीं लगना चाहिए। जब भी आप फेस वॉश वगैरह कुछ भी करोगे तो आपको ध्यान देना है कि आपके बालों को पानी नहीं लगना चाहिए, आपको पसीना नहीं आना चाहिए, आप ऐसे कूल एन्वायरमेंट में रहो ताकि आपको पसीना नहीं आए, तो आपका स्मूथनिंग का इफेक्ट जो है अच्छा दिखेगा और वो टिकेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि हाउ मच डज इट कॉस्ट। ये क्वेश्चन मुझे 3-4 लोगों ने पूछा है, तो मैंने पर्सनली अभी ऑफ़र चालू था इनके पास, इसके लिए मैंने कराया है। सो मेरे लेंथ के लिए मुझे 3000 लग गया। बट यूजुअली हेयर कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन योर हेयर लेंथ। तो अगर आपका मिड लेंथ है या लॉन्ग लेंथ है तो वैसे डिपेंड करता है कि कितना कॉस्ट होगा। बट अभी फ़िलहाल उनके पास ऑफ़र चालू था तो मैंने 3000 में कराया है। एंड इससे लंबा लेंथ थोड़ा है तो 4000 में है उनके पास ऑफ़र। आई डोंट नो कभी तक ऑफ़र अवेलेबल है, बट मैं उनका नंबर नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इनकेस अगर आपको कराना है तो आप उनको कॉल कर सकते हो एंड पूछ सकते हो, अगर ऑफ़र अवेलेबल है तो आप भी करा सकते हो। सो या सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि डज स्मूथनिंग डैमेज योर हेयर। तो टू बी हॉनेस्ट येस, डेफिनेटली डैमेज होता है क्योंकि केमिकल्स लगते हैं बालों में एंड डैमेज तो होना ही है। बट जस्ट बिकॉज मैनेजेबल लगते हैं, थोड़ा ईजी ब्रीजी हो जाता है तो अच्छा लगता है स्मूथिंग कराने के लिए, इसीलिए पर्सनली मुझे स्मूथिंग कराना अच्छा लगता है। बट डैमेज तो होगा तो यही बालों को होगा, और ये और तो बाल ग्रोथ अपने ही है, कभी भी आ जाएंगे, इसको कट कराते रहो, नए हेयर आएंगे, उसमें तो डैमेज होगा नहीं। सो या जो अपने नॉर्मल बाल है इसमें 1 साल तक तो मैनेजेबल लगता है, उसके बाद डैमेज दिखना स्टार्ट होता है। तो येस, डेफिनेटली डैमेज होता है। अगर आपको इतना बहुत प्रोटेक्टिव है अपने हेयर को लेके तो आप डेफिनेटली हेयर स्मूथनिंग स्किप कर सकते हो। सो येस, आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रिलेटेड टू स्मूथनिंग, और आपको थोड़ा सा डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि कैसे होती है स्मूथनिंग। मैंने थोड़ा स्निपेट्स भी आपको दिखा दिया था, मेरा बिफोर आफ्टर लुक भी मैंने आपको दिखा दिया है। सो आई होप आपके क्वेरीज के आंसर्स मैंने कर दिए हैं। मैंने ये क्वेश्चनेयर जस्ट अभी ही 2 घंटे पहले ही इंस्टाग्राम पे डाला था, तो 2 घंटे में जितने क्वेश्चंस आए मैंने सब आंसर किए हैं। अब मैं स्टोरी डिलीट कर दूँगी क्योंकि अब मेरा वीडियो भी ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद आप लोग अगर कुछ पूछते हो तो मैं आंसर तो कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। बट आई होप मैंने मेजॉरिटी सब कुछ कवर कर ही दिया है ये वाले वीडियो में। सो इनकेस अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व कर सकती हूँ। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।